बीते कुछ दिनों च इस तरह लग रहा है कि कांग्रेस एक तरह नाल अपने सदीवी पतन वाले पासे वध रही है, क्योंकि ठोको ताली रुक नहीं रहा सी और बार बार वो हर मंच से इस तरह की बयानबाजी करता सी कि पंजाब का जिहड़ा भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो ईमानदार होना चाहिए, मॉरली बड़ा मतलब उसका करैक्टर हाई होना चाहिए और वो जो वादा करे उस पूरा करे, वो लोगों नाल फोके वादे ना करे, लोगों सब्ज बाग ना विखावे और लॉलीपॉप जिहड़े दिते जा रहे ने हुण इन्हां दा कोई मतलब नहीं गा, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को रिझाउण वास्ते ने, यानी वो खुल के अपनी इस सरकार की आप ही आलोचना करता सी और ये आलोचना कोई एक दिन तो नहीं, बड़े लंबे समय तो हो रही सी और अपने आप को पंजाब के भावी मुख्यमंत्री वजों पेश कर रहा सी ते प्रचारित कर रहा सी। इस नूं लै के कांग्रेस के मंत्रियों विच कैबिनेट मंत्रियों के विच भी रोस दा आलम पैदा हो गया और बीती कल आशुतोष ने जिहड़े कैबिनेट मंत्री पंजाब दे उन्होंने कहा कि यह बंदा कहिंदा है कि मुख्यमंत्री ईमानदार होना चाहिए या सारे जिहड़े मंत्री ने वो ईमानदार होने चाहिए, तो हुण की सारे बेईमान ने या मुख्यमंत्री बेईमान है या मुख्यमंत्री भ्रिष्ट है, ये अपने आप नूं की समझदा, ये बहुत ईमानदार है, ये पंजाब दे हक च भुगत नहीं रहा, यह अपनी सरकार की नुक्ताचीनी करता आलोचना करता और भंडदा सरकार नूं। इनू तो चाहिए यह है कि सरकार दियां चंगियां नीतियां उन्होंने प्रचारे, पर सरकार दे उल्ट जा रहा है, मतलब ये सरकार दे दुश्मन वजों काम कर रहा है और फिर सानू दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सीधे तरीके नाल ये गल कही है। उधर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी मतलब गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि हमेशा ये कहता कि जे मैं गृह मंत्री हुंदा मैं पता नहीं की कर दिंदा, वो कहिंदे भी मेथों लै ला तू महकमा है, मैं तेरे पैरों 'च रख दिंदा, तू कर ला जो करना, मतलब गल यह है कि अंदरों खाते सारे जिहड़े विधायक ने ते मंत्री ने उस ठोको ताली दे खिलाफ़ ने। लेकिन एक होर ताज़ा घटनाक्रम है कि ठोको ताली ने बीती कल चरणजीत सिंह चन्नी की बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि यह बहुत मतलब माण वाली गल है कि 72 साल पहले बारी पंजाब नूं जिहड़ा है वह दलित मुख्यमंत्री मिले, हुण समझ नहीं आ रही कि यह प्राप्ति है या यह बेइंसाफी है, जे 72 साल कांग्रेस एक दलित नूं जाके मुख्यमंत्री बनाउंदी है तो यह तो बड़ी नमोशी वाली गल है, शर्मनाक गल है, इहदा मतलब दलितां नाल तुसीं हमेशा बेइंसाफी करदे रहे हो, उन्हां नूं कदे तुसीं इस योग ही नहीं समझिया कि पंजाब की अगवाई कर सकन, इहदे च प्राप्ति गिणाउण वाली कि गल है, इहदे तां मतलब तुहानूं शर्म महसूस करनी चाहीदी है। हुण चरणजीत चन्नी की तारीफ की जा रही है और दूजे पासे चोण प्रचार कमेटी की मीटिंग दे विच भी सुनील जाखड़ जिथे प्रमुखता नाल बैठे सीगे चेयरमैनी करदे सी उह उन्होंने ते होर जिहड़े बाकी अहुदेदार सी पंजाब कांग्रेस के प्रधान ठोको ताली जी और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब कांग्रेस के मामलों के इंचार्ज हरीश चौधरी वो भी विराजमान सन, तो उत्थों ये भाव दिता गया है, सारे अखबारों ने इस नूं प्रमुखता नाल छापिया कि उत्थे कोई इस तरह की कशीदगी नज़र नहीं आई और चरणजीत चन्नी ते ठोको ताली सी जिहड़े आपस दे विच बड़े मतलब कॉर्डियल माहौल दे विच गल्लां करदे रहे। हुण इह की है वी तो कुछ दिनों तो लगातार चरणजीत सिंह चन्नी की ठोको ताली आलोचना कर रहा, तो यकदम की हो गया, सवाल यह है। दरअसल यह होया कि आशुतोष होरां दी बयानबाजी तो बाद और बहुत सारे मंत्रियों वालों ठोको ताली की आलोचना तो बाद कि बंदा अपने आप को भावी उम्मीदवारों वजों पेश कर रहा और यह धमकियां दिंदा कि जे ऐ ना होया तो 2017 दी असीं चोणां हार जाएंगे, मतलब वो अपने आप को हर गल दे उत्ते दसदा कि उही काबिल है बाकी सारे नाकाबिल ने। यह गल्लां जिहड़ियां ने हाईकमान तक पहुँचियां ने और हाईकमान ने फिर सिद्धू की बांह मरोड़ी है, तो इहनूं कहा तू चुप करके अपना काम कर, तेरा काम सरकार दे कम्मां विच दखल अंदाजी करना नहीं है। लेकिन होर भी गल्लां ने, उह इह ने कि चरणजीत सिंह चन्नी ऐलानदार ऐलान करी जा रहे ने, वड्डकारी इश्तहार जिहड़े करोड़ां रुपईआं दे उह अखबारां विच छाया कीते जा रहे ने, पर हकीकत यह है कि जिहड़ियां गल्लां इश्तहारां राहीं दसियां जा रही, जिहड़े दावे किए जा रहे हैं कि 100 दिनों के जिहड़ा साडा रिपोर्ट कार्ड देख लो सी आह वादे पूरे किए ने, वो असल में पूरे नहीं हुए। जिवें 30,000 मुलाजमान नूं पक्के करन दी गल है, क्या यह गया सी कि राजपाल ने फाइल नप्पी है, पर राजपाल वालों अधिकारिक बयान जिहड़ा दिता गया वह है कि इन्हां नूं 6 क्वायरीज ला के भेजी गई सी, उहदे ते इन्हां ने कोई जवाब नहीं दिता और यह सारा कुछ जिहड़ा है ये झूठ प्रचार है और ये ते सरकार नूं जवाब देना चाहिए जो असी क्वारियां लाइया ने, क्योंकि जिहड़े ये मुलाजमान नूं पक्के करन दा मसला है इस दे संबंध में अदालतों के कई तरह के मुकदमे चलते हैं और अदालतों के बहुत सारे फैसले ने जिन्हां दे संबंध में असी जवाब मांगते हैं कि उस हिसाब नाल कि तुहाडा ये फैसला ठीक है। और दूजी गल ये है कि बिलों के सरूप भी बदलते रहे हैं,